रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि उपसभा हिमाचल प्रदेश एवं आर्य युवा समाज के संयुक्त तत्वावधान में डीएवी विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में विधिवत पूजा हवन के साथ किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी प्रधान आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डीएवी कॉलेज प्रबंधनकर्ता स्मृति नई दिल्ली ने शिरकत की। भारत को विश्व गुरु बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हर शिक्षक को अपने छात्र को प्रोफेशनल बनाने के साथ अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये शब्द हमीरपुर में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हिमाचल प्रदेश एवं आर्य युवा समाज के संयुक्त तत्वावधान में डीएवी विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए पद्मश्री आर्य रतन डॉक्टर पूनम सूरी प्रधान आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा ने कहे। पद्मश्री आर्य रतन डॉक्टर पूनम सूरी ने कहा कि छात्रों में जिज्ञासा और विवेक का होना बहुत जरूरी है और शिक्षिका को चाहिए कि वे छात्र के मस्तिष्क में इन दोनों को जरूर बैठाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर शिक्षक इन दोनों को छात्रों को देंगे तो आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोफेशनल बनाना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा इंसान बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ अच्छा प्रोफेशनल होगा और अच्छा इंसान नहीं होगा तो मुझे माफ कीजिए, आजकल के जमाने के अंदर आपको कहीं पे संत नजर बड़ी मुश्किल आते हैं कि किस प्रकार एक फ्रेश, हम कहते हैं ना फ्रेश स्लेट है माइंड ऑफ ए चाइल्ड, उस स्लेट पे जो मर्जी लिख लो। आजकल के जमाने में कौन लिखता है, आजकल के जमाने में तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे लिखा जाता है। तो वो जो प्रोग्रामिंग करनी है उस ह्यूमन माइंड की, बच्चे की, उसके अंदर दो चीजें डालनी जरूरी होती है। पहली जिज्ञासा, द डिजायर टू नो, The urge to know more, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिज्ञासा। जब जिज्ञासा आती है तो आदमी सब कुछ प्राप्त करता है, हर किस्म की नॉलेज लेने की कोशिश करता है। उसमें कुछ नॉलेज अच्छी नॉलेज होती है, कुछ नॉलेज उस उम्र के लिए ठीक नहीं होती। उसके अंदर वो विवेक होना चाहिए कि ये क्या ठीक है क्या गलत है, वो विवेक भी डालना आपका काम है। ये दो चीजें डाल दो मेरे भारत के बच्चों में और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी आपका। इसलिए अगर आपके पास होगा तो आप आगे दोगे ना, जिसके पास खुद ना हो वो आगे क्या देगा। तो पहले खुद आपके अंदर डालने के लिए ये हमारा एक तरीका है, एक आइडिया है कि आपको मैं बताऊं कि असलियत है क्या, उसके ऊपर चलिए, आगे बच्चों को समझाइए, खुद ब खुद वो अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अच्छे मानव बनाने में डीएवी विद्यालयों के शिक्षकों को हर संभव ज्ञान व जानकारी मुहैया करवाना है ताकि वे छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश के लोगों में देशभक्ति के साथ ही प्रभु भक्ति भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा में मकसद अच्छे मानव बनाने का है, आपका काम अच्छे इंसान बनाने का है। अच्छा हिंदू, अच्छा सिख, अच्छा मुसलमान बनाने का नहीं, अच्छा मानव बनाना है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन, मजहब उसका क्या है, जो मर्जी हो, धर्म, हम मानव है, हमारा धर्म है मानवता। एक कि हमारे अंदर वो देशभक्ति खत्म हो गई और दूसरा प्रभु भक्ति खत्म हो गई। क्योंकि तो बात यह है कि बड़ी सैड कंडीशन है इस वक्त। बात यह प्रभु को तो भक्ति की जरूरत नहीं, वो कहता है जो मर्जी करो। आजकल हर किस्म का डगोसला चलता है,
हर किस्म की बात चल रही, प्रभु के नाम पर जितना धंधा हो रहा है शायद किसी के नाम पर नहीं हो रहा, और हर किस्म की चीज जो बहुत अमीर है वो कहता है मेरे को जरूरत क्या, मैं जब दिल चाहेगा तो मुश्किल आएगी भगवान खरीद लूंगा, और जो गरीब है वो कहता है बाढ़ में गया भगवान मेरे को रोटी दो। तो इसलिए भगवान की जो नीड है, जो नेसेसिटी है, वो कम होती चली जा रही है। तो प्रभु भक्ति भी वापस लाना हमारा काम है। इससे पूर्व डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के परिसर में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर निवेदक जे काकड़िया प्रधान आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा प्रदेश उपसभा हिमाचल प्रदेश कामना बेरी सचिव आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हिमाचल प्रदेश एवं प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर भी उपस्थित रहे। महसूस कर रहे हैं, हम सबका मन अति प्रफुल्लित है। वो क्षण जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल के लगभग 20 डीएबी पब्लिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में महात्मा चैतन्य मुनि अपना आशीर्वचन देंगे। इनके साथ साथ विक्रम विवेकी और वीरेंद्र कुमार अलंकार वैदिक संस्कृति में अध्यापक विद्यार्थी एवं शिक्षक के संबंधों पर चर्चा की गई।